शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। माँ के हाथ से तौलिया लिए बिना इसका नहाना पूरा नहीं होता। छोटी, मेरी कमीज प्रेस कर दी? हाँ हाँ बाबा कर दी है। क्या तो ऐसे रह जैसे बताए बगैर करूंगी नहीं, अभी ला रही हूँ। सुबह के 9 बज गए लेकिन ये अभी तक 4 बजा रही है। रोज 4 पे आके अटक जाती है। देखो माँ, भैया ने मेरे ऊपर पानी डाला। तू कोई नमक की बनी नहीं जो पानी डालते ही घुल जाएगी। अरे चल बाबूजी, ये घड़ी वक्त की बहुत पक्की है। एक बार जो वक्त बता दिया ना तो फिर हिलती नहीं वहां से। लाइए। अरे मैंने, फिर तू टाइम कैसे देखेगा? बाबा मैं ठीक करा लूंगा या किसी और से पूछ लूंगा। आजकल सब लोग तो घड़ियां पहनते हैं। चलो चलो नाश्ता तैयार है, आ जाओ। माँ माँ मैं नाश्ता नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 10 बजे पहुंचना था और बहुत देरी हो चुकी है। 4 बज चुके हैं, पता है? 4 बगड़ी बंद है। पता नहीं क्या काम करता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया है। नाश्ता करने के लिए भी इसके पास टाइम नहीं है। एक दे देना, एक मिनट क्या जाता है तेरे पास इतने सारे? नहीं यार, एक दे देना। पॉकेट में थोड़ी आता है, पैसे है क्या तेरे पास? पैसे नहीं तो क्या हुआ, एक दे देना, सिर्फ एक दे। नहीं, एक में क्या जाएगा तेरा? पॉकेट में थोड़ी आता है यार। क्या बेटा, तुझे झंडा चाहिए? जी ये ले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू अंकल। मुझे मालूम था तुम यही मिलोगे। अगले हफ्ते फाइट फिक्स कर रहा हूं, इस मुकाबले में पैसा भी अच्छा मिलने की उम्मीद है। भाभी भी आ गई। ए चुप बैठना। हेलो भाभी। हाय। क्यों, ठीक ही तो कह रहा है वो? क्या ठीक कह रहा है? तुम्हारे पापा वैसे ही हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, और जब से उन्हें पता चला है कि मैं क्लब में भी डांस करता हूँ तब से तो। क्लब में गाते हो तुम घर चलाने के लिए, फाइट करते हो घर चलाने के लिए, सेल्समैन बने हो घर चलाने के लिए। तुम मेहनत करते हो, भीख नहीं मांगते। आज मैं भी तुम्हारे साथ गाऊंगी क्लब में। क्या बात है माँ? कुछ नहीं बेटा, सो जा। माँ की आंखों में नींद की जगह आंसू और बेटा सो जाए ना। माँ तू बता मुझे बात क्या है। बेटा, माँ बाप का फर्ज है कि औलाद को आराम दे, मगर मैंने तो तुम्हें सिर्फ परेशानी और तकलीफें ही दी है। कैसी बातें करती है माँ? तूने मुझे जन्म दिया है और पिताजी ने एजुकेशन, और अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। इसलिए घर की हर परेशानी और तकलीफ दूर करना मेरा फर्ज है। अब बता तकलीफ क्या है? बेटा तू तो जानता है तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती जा रही है, और छोटी अब छोटी नहीं रही, जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है, यही चिंता मुझे सताती है। बस माँ, इतनी छोटी सी बात पर इतने कीमती आंसू बहा रही हो। अरे मैंने डॉक्टर से बात भी कर ली है और अगले हफ्ते ही पिताजी को चेकअप के लिए लेके जा रहा हूँ। और रही बात छोटी की, तू उसकी चिंता छोड़ और उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ, फिर देख कितने धूमधाम से मैं उसकी शादी करता हूँ। धूमधाम तो छोड़, आजकल सीधी सादी शादी के लिए भी 1-1.5 लाख खर्च हो जाते हैं, कहाँ से लाएगा इतने सारे पैसे? पैसे? अरे अपनी कंपनी से एडवांस ले लूंगा या दोस्तों से उधार मांग लूंगा। और तब भी नहीं हुआ तो? तो भी तू चिंता मत कर माँ, ये 20वीं सदी है, आजकल गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम लखपति होता है, क्योंकि उसके पास ये कीमती शरीर है। अरे माँ अगर मैं अपनी एक किडनी भी बेचू ना तो भी छोटी की शादी हो जाएगी। अजय, जिस माँ के पेट से इतना बड़ा शरीर मिला हो उस माँ के लिए अपने पेट से मैं एक किडनी नहीं दे सकता? मर थोड़ी ना जाऊंगा माँ। बोल आज क्या नई मुसीबत आन पड़ी है? हम लोगों की जिंदगी में एक ही तो मुसीबत है, रोटी, और उसके लिए पैसा चाहिए, और मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा पैसा? एक आइडिया देता हूँ, ये नुक्कड़ पे बैंक है ना, लूट ले। तेरा मतलब है घर वालों को मुसीबत में डालकर खुद अंदर बढ़ जाऊं? दोस्त मुझे पैसा चाहिए लेकिन ईमानदारी का, घर पे राशन भरना है, छोटे की फीस, दूध वाले का बिल। अच्छा बाबा, मैं आज रात को ही तेरी फाइट फिक्स करता हूँ। ओके ओके। चल अजय चौहान, तू भी कपड़े बदल ले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार, 2 दिन से मिली क्यों नहीं? पूजा मुझे एक जरूरी काम से बात। चले जाना, कम से कम 2 मीठी बातें तो करते जाओ। मैडम
मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि बातों से पेट नहीं भरता, उसके लिए काम करना पड़ता है, काम। और मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, थोड़ा प्यार भी करना बहुत जरूरी है। मानता हूँ, लेकिन अगर काम नहीं करूँगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? पैसे की चिंता मत करो अजय, तुम अच्छी तरह जानते हो कि लाख दो लाख बैंक से निकाल कर तुम्हें देना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन तुमसे पैसे लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अपने परिवार को अपनी मेहनत से कमाई हुई रोटी खिलाना चाहता हूँ, किसी के तोहफे या। नाराज हो गए क्या? नहीं। तो बताओ फिर कब मिलोगे? तुम मेरा युद्ध देखने आ रही हो शाम को? ये भी कोई पूछने की बात है? तो फिर वही मिलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तू अब तक सोई नहीं? तेरे घर लौटने से पहले आज तक कभी सोई हूँ? इतनी देर कहाँ लगा दी? चल आजा। आज काम बहुत ज्यादा था माँ, इसलिए थोड़ा ओवरटाइम करना पड़ा। अजय थोड़ा कम काम किया कर बेटे, देख तो रात के 2 बजने को आए, फिर सुबह उठकर तू 7 बजे काम पर निकल जाएगा, इस तरह तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी बेटा। बाबूजी कंपनी के ऑर्डर भी तो पूरे करने ही पड़ेंगे। बस बस अब बातें मत कर, चल खाना खा ले। अरे इसे क्या हो गया, इतने गुस्से से क्यों देख रही है? माँ से मिल ली है और बाबूजी से भी बात कर ली, मगर अपनी छोटी बहन के बारे में झूठे मुंह भी पूछा कि कहाँ है वो? बस 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 लड़ाई झगड़ा सवेरे, दिन भर का थका घर आया है, जल्दी खाना खा के सो जाने दे। आज भैया को खाना मैं दूंगी, आओ भैया। मैं खा लूंगा, तू
तू जाके सो जा। मैं नहीं, चिंता मत करो भैया, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। चलो चल दिखाओ। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। दिखाओ दिखाओ। कुछ नहीं हुआ। अरे दिखाओ तो सही। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। मैं कहती हूँ दिखाओ। भैया ये हाथ इतनी बुरी तरह से कैसे कट गया? छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मैं जानती हूँ आप कंपनी में सेल्समैन नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ आपको अपना खून तक बहाना पड़ता है। इस घर के लिए आप कितना करेंगे भैया? सिर्फ इस घर के लिए ही नहीं, ये सब मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि तुझे भी इस घर से निकालना है, किसी ऐसे घर भेजना है जहाँ बहुत सुख मिले तुझे। नहीं भैया, वो सुख वो खुशियाँ जो आपको दर्द दे के मिले मुझे नहीं चाहिए। ए छोटी, रो रही है? मैं आपके लिए और तो कुछ नहीं कर सकती भैया, कम से कम आंसू तो बहाने दो। ये लो। भैया आज आपको मुझसे एक वादा करना होगा, चाहे कितना ही दर्द हो कितनी ही तकलीफ हो, बस मैं रहूंगी आप नहीं। ले लो। ए माँ। क्या है? इधर आना। अरे बताओ तो सही। इधर तो आ। क्या है बताओ। बैठ बोल। आज तारीख कितनी है? तारीख 13। और महीना? जुलाई। क्यों? क्या माँ मैं भूल गया, लेकिन तुझे तो याद रखना चाहिए कि आज 13 जुलाई है, यानी कि तेरा जन्मदिन। अरे अरे हाँ, आज तो माँ का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। चुप। याद कुछ रहता नहीं है, गाना वाना शुरू कर देती है। लास्ट शक्कर का डब्बा दे। ये लो। मुंह मीठा कर माँ। बस बस बस, मेरा मुंह तो मीठा किया, अभी तेरा भी कर। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि शहर की जिस कंपनी में तू काम करना चाहता था ना, वहां से तेरा इंटरव्यू लेटर आ गया है, कल तुझे उन लोगों ने बुलवाया है। कल के कल? इसका मतलब मुझे आज शाम की गाड़ी से निकलना पड़ेगा। हाँ बेटा, निकलना तो तुझे शाम को ही पड़ेगा।